फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट जो बेस्ड है होल इफेक्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो कि होल्स इफेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है होल्स इफेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको पहले ये पता करना है कि व्हाट इज होल्स इफेक्ट, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होल्स इफेक्ट की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पहले होल इफेक्ट को देखिए और फिर आइए इस वीडियो पे वापस और देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट है, कैसे होल्स इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ होल्स इफेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में हम होल्स वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि होल्स इफेक्ट क्या है, कि होल्स इफेक्ट बोलता है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या किसी सेमीकंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडक्टर के अंदर या उस सेमीकंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं होल्स वोल्टेज। तो उसी होल वोल्टेज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो दोस्तों, हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस होंगे, एक बार वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला एपरेटस जो है हमारे पास, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसमें हम सप्लाई देंगे इस एपरेटस के थ्रू। यह है हमारा पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ से पावर सप्लाई भेजी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। उसके अलावा दूसरा एपरेटस है हमारा कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई फॉर द गिवन सेमीकंडक्टर। के हमारे सेमीकंडक्टर में हमें करंट भी फ्लो करवाना है, तो उसके लिए ये डिवाइस है जो हमारे सेमीकंडक्टर में सप्लाई को भेजेगा, और हमारा सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली वो ये है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से मेरे हाथ में, इसे बोला जाता है हॉल प्रोब। अब इस प्रोब में आप ध्यान से देख सकते हैं, एक क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है, यही हमारा सेमीकंडक्टर है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो इस क्रिस्टल को, तो ये हमारा जो है वो सेमीकंडक्टर है। फर्दर दोस्तों, इसमें आपको मेटेलिक कनेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, और एक मेटेलिक कनेक्शन ये। दोस्तों, यहाँ पे जो हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, वो इन दो मेटेलिक कनेक्शंस के अक्रॉस फ्लो करवाया जाएगा ऐसे, और इस पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी ऐसे। तो ऑटोमेटिकली इसमें एक और वोल्टेज डिवेल्प होगी, और उस वोल्टेज को हम फाइंड आउट करेंगे इन दो कनेक्शंस के थ्रू। ये दो कनेक्शंस जो हैं आप देख सकते हैं, ग्रीन वायर्स, ये ग्रीन वायर्स आगे आके कनेक्ट हो रही है हमारे इनपुट से। यहाँ हमें हॉल वोल्टेज की जो रीडिंग है वो मिल जाएगी, और यहाँ हमें रीडिंग मिलेगी कि हम कितना करंट जो है अंदर भेज रहे हैं सेमीकंडक्टर के। उसके अलावा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जो हम यहाँ पर जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, वो है हमारा गॉस मीटर। तो यहाँ पे हम गॉस मीटर का यूज़ करेंगे। गॉस मीटर आपके सामने, ये है हमारा डिजिटल फ्लक्स गॉस मीटर। इसके थ्रू हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, इस डिजिटल फ्लक्स या गॉस मीटर के साथ हमें दी होती है ये प्रोब, इसे बोला जाता है गॉस स्टिक। तो इस गॉस स्टिक के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, कि बेसिकली इस गॉस स्टिक को हम रखते हैं मैग्नेट के, मैग्नेट्स के बीच में ऐसे। तो जब इसमें ऐसे रखते हैं, तो हमें फिर यहाँ से इस रीडिंग से, यहाँ से हमें रीडिंग मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस गॉस स्टिक हमें रीडिंग दे देती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, वो यही है कि सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग को सेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो रीडिंग है वो -1 कुछ आ रही है, जबकि इस टाइम पे हमारी जो ये गॉस स्टिक है, ये हवा में है, स्पेस में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 0। तो इसको हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने अपरेटिस को। तो अपने अपरेटिस को कैलिब्रेट करने के लिए,
तो अपने एपरेटस को कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे इस बटन का, ये एक बटन हमें दिया है सेट ज़ीरो, तो इसके थ्रू हम जो है इसको ज़ीरो पे सेट करेंगे। तो दोस्तों इस बटन से हमें जो है इसको ज़ीरो पे सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सेट ज़ीरो बटन का इस्तेमाल करके अपने डिवाइस को बिल्कुल कैलिब्रेट कर लिया है। अब जो रीडिंग आ रही है वो बिल्कुल 0.000 आ रही है, मतलब जब हमारी जो गॉस स्टिक है वो हवा में है, स्पेस में है, जहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये हमारी जो रीडिंग दे रहा है डिवाइस बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। और ये जो हमारी रीडिंग्स आ रही है ये किलोज़ में आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो येलो बटन है मैंने 2K की तरफ दिया है, मतलब इस टाइम पे जो मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी वो 0 से 2000 गॉस तक की रीडिंग हमें जो है मिलेगी। तो हम अब यहाँ पे इस डिवाइस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे हम मेज़र करेंगे दोस्तों, तो जो ये हमें गॉस स्टिक दी है, इस गॉस स्टिक को हम इस तरह से इस स्टैंड में लगा लेंगे और इस गॉस स्टिक को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में इस तरह से रख देंगे। तो अब ये गॉस स्टिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगी। तो इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखें तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 0.165 किलो गॉस, तो नियरली इतनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोस्तों अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा कि जो हमारी कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, यहाँ से मैं करंट दूंगा। आप देख सकते हैं मैं यहां से करंट बढ़ा रहा हूं, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं पहले से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुकी है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है अब यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है करंट बनाने से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम अपनी मर्जी से सेट कर लेंगे। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1000 गॉस हो, तो मैं करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसे नियरली जो है 1000 गॉस पे सेट कर लूँगा। देखिए नियरली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने 1K गॉस मीन्स 1000 गॉस यहाँ पे अब सेट कर ली है। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो इस टाइम पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 गॉस। तो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों अब ये है कि अब हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी जो हमारी होल प्रोब थी उसको रखना है, मतलब हमारा जो ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है इसको हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो चलिए अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा जाएगा कि जो इस क्रिस्टल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिससे इसमें डेवलप होगी हॉल्स वोल्टेज और उस वोल्टेज को भी हम वोल्टमीटर के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो सेटल था जो जर्मेनियम का बना हुआ था जिसकी थिकनेस थी 0.69 मिलीमीटर, उसको अब रख दिया है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी सेट की हुई है यहाँ पे 1000 गॉस। तो अब दोस्तों अब इस हॉल प्रोब के अंदर आप देख सकते हैं अभी मैंने करंट ज़ीरो भेजा हुआ है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉल वोल्टेज इसमें डिवेलप हो रही है वो भी ज़ीरो है। अब जैसे ही मैं करंट बढ़ाता हूँ तो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हॉल वोल्टेज डेवलप हो जाती है। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में बस इतना ही करना है, हमें कितना हम करंट भेज रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हॉल वोल्टेज डेवलप हो रही है वो नोट डाउन करनी है, कितना करंट भेज रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हॉल वोल्टेज डेवलप हो रही है वो हमें नोट डाउन करनी है। तो इस तरह से हमें जो है रीडिंग्स लेनी है इस एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए अब तो इस तरह से हमें परफॉर्म करना है दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट। तो अब आपको बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें और क्या क्या करना है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हॉल्स इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपने ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, आपने करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉल्स वोल्टेज आएगी उनकी रीडिंग्स जो है वो नोट कर लेनी है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में जब ये रीडिंग्स नोट कर लोगे तो वहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो हॉल्स कोफिशिएंट। हॉल्स कोफिशिएंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हॉल्स कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है VH इंटू जेड अपॉन IH। यहाँ पे VH हमारी है हॉल वोल्टेज, जेड है हमारी थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, आई है करंट और एच है हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ like this video and do not forget to subscribe my YouTube channel। Jai Hind, Jai Bharat।